हेलो बच्चों, क्वेश्चन समझते हैं एक बार। फाइंड एफ डैश एक्स इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 10x की पावर 10x। ओके, की कॉन्सेप्ट समझते हैं इसमें। सबसे पहले की कॉन्सेप्ट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, अगर कहीं वाई इज इक्वल टू वेरिएबल पावर वेरिएबल लिखा हुआ है और उसको हमको डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएट करना है, तो पहले हम लॉग लेंगे दोनों साइड, है ना। वेरिएबल वन वेरिएबल टू लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा वेरिएबल टू एल एन वेरिएबल वन, और फिर डिफरेंशिएट करेंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एल एन वाई का डेरिवेटिव वन बाय वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। चलो कोई नहीं, समझेंगे इसको भी, है ना। सेकेंड सेकेंड जो की कॉन्सेप्ट है, लेट से वाई आपका लिखा हुआ है अ कॉम्पोजिट फंक्शन और आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो आउटर फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश, और बाकी सब कुछ एज इट इज सेम इनटू। अब एफ को हटा दो, एफ को हटाएंगे तो आउटर फंक्शन बचेगा जी, जी का डेरिवेटिव जी डैश एक्स। जी को भी हटा दो तो आउटर फंक्शन बचेगा सिर्फ एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव वन, है ना। ये होता है हमारा चेन रूल, चेन रूल भी यूज़ करना पड़ेगा। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, है ना। एफ एक्स को मान लेते हैं वाई, वाई इज इक्वल टू 10x होल पावर 10x। एल एन ले लिया, एल एन वाई इज इक्वल टू 10x इंटू एल एन 10x, और डिफरेंशिएट किया तो एल एन वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल लगाना पड़ेगा, वन बाय वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हुआ इज इक्वल टू राइट साइड। पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले वाले 10x का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स, दूसरे को छोड़ दिया, प्लस पहले को छोड़ दिया इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन एल एन 10x का डिफरेंशिएशन वन अपॉन 10x, और अंदर 10x का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स, है ना। चेन रूल यूज कर लिया, 10x से 10x कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा वाई टाइम्स सीकेंट स्क्वायर एक्स कॉमन एल एन 10x प्लस वन, और वाई की वैल्यू रख दे तो 10x की पावर 10x सीकेंट स्क्वायर एक्स एल एन 10x प्लस वन, ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स। थैंक यू।